नमस्ते दोस्तों आज हम पिक्चर ट्यूब चार्जर बनाने से लेके पिक्चर ट्यूब को सही तरीके से कैसे चार्ज किया जाता है और पिक्चर ट्यूब चार्ज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने से पहले एक सीआरटी पिक्चर ट्यूब चार्जर कैसे बनाया जाता है चलिए इसे देखिए सबसे पहले एक वायरव रजिस्टर लिया जाता है ये रजिस्टर 5 ओम्स 5 वाट का होता है उसके बाद एक रेक्टिफायर डायोड में इस रजिस्टर को जोड़ दिया जाता है इस रेक्टिफायर डायोड का वैल्यू है आई एन फोर जीरो जीरो सेवन और फिर इस डायोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का वैल्यू होता है टू हंड्रेड फिफ्टी एम एफ टी थ्री हंड्रेड फिफ्टी वोट और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टर्मिनल में इस रेक्टिफायर डायोड को जोड़ दिया जाता है ताकि इस रजिस्टर से ए सी टू ट्वेंटी फोर्ट को इस डायोड का मदद से डी सी टू ट्वेंटी वोट में बदल के इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में दिया जा सके उसके बाद एक टू ट्वेंटी के वन वाट का रजिस्टर लिया जाता है इस को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है उसके बाद इस रजिस्टर को रेक्टिफायर डायोड का एनॉथ पॉइंट में जोड़ दिया जाता है ये एक फिलामेंट वाला बल्ब है यह बल्ब फिफ्टीन वाट का होता है इस बल्ब का एक पॉइंट में एक तार को जोड़ दिया जाता है इस तार का दूसरे सिरे को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है फिर एक दूसरा तार लेके बल्ब का दूसरा पॉइंट में जोड़ दिया जाता है इस तार को सी बेस का जी टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है ये सी बेस का जी टर्मिनल है जी टर्मिनल पिक्चर ट्यूब का अंदर कैथोड और जी का बीच में होता है इसी जी टर्मिनल से पिक्चर ट्यूब का अंदर कैथोड और जी का बीच में जितना भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जमा हुआ होता है उन सभी निगेटिव चार्ज पार्टिकल्सों को हाई वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज से डिस्चार्ज किया जाता है ताकि में 220 वोल्ट दिया जा सके। फिर एक दूसरा तार लेके एसी कॉर्ड से इलेक्ट्रोलाइटिक्वेंटी वोल्ट को दिया जाता है इस हरे रंग का तार को इलेक्ट्रोलाइटिक टर्मिनल में जोड़ दिया जाएगा फिर इस तार का दूसरे सिरे को CRT बेस का G2 टर्मिनल में जोड़ दिया जाएगा ये ट्रांसफार्मर का इस नीले तार से AC बारह वोल्ट निकलता है और इस लाल तार से इस ट्रांसफार्मर में AC 220 वोल्ट अंदर जाता है और इन दोनों तारों को AC कॉर्ड में जोड़ दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को भी AC 220 वोल्ट मिल सके इस नीले तार को CRT बेस बोर्ड में जोड़ दिया जाता है ताकि इस नीले तार से पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट को AC 12 वोल्ट मिल सके इस सफ़ेद तार का एक सिरे को सी बेस का G2 टर्मिनल में जोड़ दिया जाएगा इस G2 टर्मिनल में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव वोल्टेज इनपुट होता है और इसी नेगेटिव वोल्टेज को इस सफेद तार का मदद से G2 टर्मिनल का नेगेटिव वोल्टेज सी बेस का हर कैथोड टर्मिनल में दिया जाता है ताकि पिक्चर ट्यूब चार्ज करते समय पिक्चर ट्यूब का कैथोड हम चुन सके पिक्चर ट्यूब चार्ज करते समय सबसे पहले ब्लू कैथोड को चार्ज करना चाहिए उसके बाद रेड कैथोड को चार्ज करना चाहिए और आखिर में ग्रीन कैथोड को चार्ज करना चाहिए इस तरह चार्ज करने से कैथोड शॉर्ट होने का चांस कम होता है और एक महत्वपूर्ण बात पिक्चर ट्यूब चार्ज करने से पहले पिक्चर ट्यूब चार्ज करने के दौरान और पिक्चर ट्यूब चार्ज करने के बाद क्या क्या करना चाहिए आगे हम देखेंगे तो दोस्तों मेरे पास एक पिक्चर ट्यूब चार्जर है इस तरह का पिक्चर ट्यूब चार्जर से जैसा भी एक सीआरटी पिक्चर ट्यूब को चार्ज किया जा सकता है इस तरह का का चार्जर से से एक पिक्चर पिक्चर ट्यूब ट्यूब चार्ज करने से पहले एनोड हाई वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लिया जाता है वरना चार्ज करते वक्त यह हाई वोल्टेज पिक्चर ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है तो दोस्तों इस हाई वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए मल्टीमीटर का कोई भी एक कॉर्ड को पिक्चर ट्यूब का ग्राउंड का साथ जोड़ा जाता है और इस कॉर्ड का दूसरे सिरे को पिक्चर ट्यूब का एनॉट पॉइंट में लगा हुआ ईएसटी कैप में कॉर्ड का दूसरे सिरे को धीरे से डाला जाता है ताकि पिक्चर ट्यूब में एक्स्ट्रा किसी भी तरह का वोल्टेज न रहे पिक्चर ट्यूब को चार्ज करने से पहले पिक्चर ट्यूब को पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जाता है अगर पिक्चर ट्यूब में ई का हाई वोल्टेज रहा तो पिक्चर ट्यूब चार्ज करते समय पिक्चर ट्यूब का कैथोड खराब हो सकता है पिक्चर ट्यूब डिस्चार्ज करने से पहले और टीवी चार्ज करते वक्त टीवी को आधे घंटे से ज्यादा करंट से दूर रखा जाता है इस पिक्चर ट्यूब में बहुत ही हाई वोल्टेज होता है इसे डिस्चार्ज करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए वरना जान भी जा सकता है ई कैप और सीआरटी बेस बोर्ड पिक्चर ट्यूब से दूर रख दिया जाता है उसके बाद पिक्चर ट्यूब में पिक्चर ट्यूब चार्जर में लगा हुआ सीआरटी बेस को पिक्चर ट्यूब में फिट किया जाता है पिक्चर ट्यूब में सी आर टी बेस को फिट करने के बाद पिक्चर ट्यूब का कौन सा कैथोड को चार्ज करना है उसे चुना जाता है इस पिक्चर ट्यूब का ब्लू कैथोड को पहले चार्ज करने के लिए चुना गया है उसके बाद बारी बारी से रेड और ग्रीन कैथोड को भी चार्ज किया जाएगा तो अब हम इस पिक्चर ट्यूब को चार्ज होते हुए देखेंगे एक पिक्चर ट्यूब चार्ज होते वक्त क्या देखना चाहिए और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए इस पिक्चर ट्यूब को चार्ज होते हुए देखें तो सबसे पहले इस प्लग को ए सी वोल्ट देना होगा क्योंकि ये ट्यूब चार्जर का प्लग है इस प्लग को ए सी टू ट्वेंटी वोल्ट देने से पहले दो बातों को ध्यान में रखा जाता है सबसे पहले यहाँ एक इंडिकेटर है यह ट्यूब चार्जिंग इंडिकेटर है और ये इस चार्जर का पावर इंडिकेटर है इस प्लग में टू ट्वेंटी वोल्ट देते ही ये इंडिकेटर जल उठेगा उसके बाद थोड़ी देर में पिक्चर ट्यूब चार्जिंग इंडिकेटर भी जल उठेगा और साथ में पिक्चर ट्यूब का अंदर एक चिंगारी उठेगा इस चिंगारी का मतलब है ये पिक्चर ट्यूब अच्छी तरह चार्ज हो गया है जब पिक्चर ट्यूब से चिंगारी निकलना बंद हो जाता है उसके बाद इस पिक्चर ट्यूब को 15 सेकंड तक इसी तरह छोड़ दिया जाता है 15 या 20 सेकंड पूरा होने के बाद इस पिक्चर ट्यूब चार्जर को ऑफ किया जाता है जब पिक्चर ट्यूब चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस सीआरटी बेस को कम से कम एक मिनट तक ऐसे ही रखा जाता है क्योंकि इस पिक्चर ट्यूब चार्जर से हाई वोल्टेज निकलता है इसीलिए इस सीआरटी बेस को यहीं पर डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया जाता है और पिक्चर ट्यूब चार्ज होने के बाद कम से कम पिक्चर ट्यूब को छह घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है छह घंटे के बाद ही पिक्चर ट्यूब में टीवी सर्किट बोर्ड को जोड़ा जाता है टीवी सर्किट बोर्ड को पिक्चर ट्यूब में जोड़ने के बाद और एक बात ध्यान रखा जाता है ई का स्क्रीन कंट्रोल को जीरो में रखा जाता है इस नॉब को जीरो में रखने के बाद ही टीवी को ऑन किया जाता है वरना पिक्चर ट्यूब डैमेज हो सकता है क्योंकि स्क्रीन कंट्रोल से जी टर्मिनल के थ्रू पिक्चर ट्यूब में हाई वोल्टेज इनपुट होता है इसीलिए स्क्रीन कंट्रोल को जीरो में रख के ही टीवी ऑन किया जाता है इस तरह टीवी ऑन करने से पिक्चर ट्यूब चार्जिंग का अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इसी तरह एक पिक्चर ट्यूब को सही तरीके से चार्ज किया जाता है तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट लाइक like और शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा अच्छा वीडियो इस चैनल में आने वाला है